इज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज्ड फॉर पार्टीशनिंग अ डेटा सेट इनटू अ सेट ऑफ के डिस्टिंट नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर्स इट्स कॉमनली यूज इन डेटा माइनिंग पैटर्न रिकॉग्नेशन एंड इमेज सेगमेंटेशन के मीन्स क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसका यूज करके हम क्लस्टर बनाते हैं क्लस्टर का मतलब होता है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप तो जब हम सिमिलैरिटी के बेसिस पे सेम ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाते हैं तो उसी ग्रुप को हम क्लस्टर बोलते हैं क्लस्टर का यूज हम मेनली डेटा माइनिंग पैटर्न रिकॉग्निशन और इमेज सेगमेंटेशन में करते हैं तो के मीन्स क्लस्टरिंग के हम स्टेप्स देख लेते हैं सबसे पहले हम रैंडमली के डेटा पॉइंट सिलेक्ट करते हैं के यहाँ पे नंबर है मतलब कि अगर हम के इक्वल्स टू टू ले रहे हैं तो हम टू डेटा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे पूरे डेटा सेट में से और उसको हम इनिशियल क्लस्टर सेंटर्स अजाइन करेंगे इनिशियल क्लस्टर सेंटर्स को हम सेंट्रोइड बोल सकते हैं तो सबसे पहले हमें सेंड्रॉयड डिसाइड करना है तो फर्स्ट टाइम हम सेंड्रॉयड रैंडमली डिसाइड करते हैं सेकेंड स्टेप में हम असाइनमेंट करते हैं मतलब हर एक डेटा पॉइंट को हम नियरेस्ट सेंट्रोइड में असाइन कर देते हैं यहाँ पे हम टिपिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस मेथड का यूज करते हैं मतलब कि हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे दोनों ही सेंट्रोइड से अगर हमने के इक्वल्स टू टू लिया है तो जो भी नियरर होगा वो उस क्लस्टर में अजाइन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हम अपडेट करते हैं मतलब कि जो सेंड्रॉइड है उसे हम रिकैलकुलेट करेंगे में हम हम करते करते हैं हम step number two करते हैं मतलब कि और को जब तक कि जो सेंड्रॉइड है वो चेंज नहीं होते तो इस तरीके से K -means clustering perform होता है. प्रैक्टिकल के स्टेप्स देख लेते हैं सबसे पहले लोडिंग डेटा सबसे पहले हमें डेटा सेट लोड करना होता है तो इस प्रैक्टिकल में हम होलसेल कस्टमर्स का डेटा सेट यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयरिंग द डेटा यहाँ पे हम डेटा प्रिपेयर करते हैं मतलब कि एक बार हम डेटा देख लेंगे कि किस तरह का डेटा है जैसे कि डेटा कैटेगरी में है या फिर नंबर्स में है उसमें कौन कौन से कॉलम है इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेंगे नेक्स्ट स्टेप है मेकिंग डेटा रेडी फॉर एनालिसिस नेक्स्ट स्टेप में हमें डेटा को एनालिसिस के लिए रेडी करना है इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डेटा सेट है उसमें दो तरह का डेटा हो सकता है जैसे कि कैटेगोरिकल डेटा होगा न्यूमेरिकल डेटा होगा तो अगर हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है तो हमें उसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है और इस प्रोसेस को हम डमीफिकेशन बोलते हैं अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है तो हमें सभी नंबर्स को सेम स्केल पे करना है जिससे कि जो फीचर है अगर उसमें कोई बड़ी वैल्यू है कोई लार्ज स्केल वैल्यू है तो वो बाकी के फीचर्स को डोमिनेट ना करे तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जब हमें न्यूमेरिकल डेटा दिया होता है तो हमें स्केलिंग करनी होती है मतलब कि जितने भी नंबर्स हैं उनको सेम स्केल पे लाना होता है बाय डिफॉल्ट ये जीरो से वन होता है और अगर हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है तो हमें डमीफिकेशन करना होता है जहां पे हम कैटेगोरिकल डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप है फाइंडिंग द बेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स पे हम के मींस क्लस्टरिंग का यूज कर रहे हैं ग्रुप बनाने के लिए लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हमको बनाने हैं ग्रुप्स को ही हम क्लस्टर बोलते हैं तो यहाँ पे हम एल्बो मेथड का यूज करेंगे और एल्बो मेथड का यूज करके हम ये डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हमको बनाना है तो हम यहाँ पे जो डेटा है उसको अलग अलग नंबर ऑफ ग्रुप्स में क्लस्टर करेंगे और मेजर करेंगे कि डेटा पॉइंट किस तरीके से स्प्रेड है तो यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे के मीन्स के जो है वो हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर है और सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ को देख के हम ये पता करेंगे कि कहाँ पे हमको एल्बो पॉइंट मिलता है एल्बो पॉइंट हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां से अगर हम और ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम एल्बो पॉइंट बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम रिजल्ट को प्लॉट करेंगे रिजल्ट को प्लॉट करके हम इजीली अपना रिजल्ट विजुलाइज कर सकते हैं उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज इम्पोर्ट कर लेते हैं इम्पोर्ट पांडा पांडा का यूज हम एनालिसिस के लिए करते हैं इम्पोर्ट मिन मैक्स स्केलर इसका यूज हम स्केलिंग के लिए करेंगे फ्रॉम एसके लर्न डॉट क्लस्टर इम्पोर्ट के मीन्स हम के मीन्स क्लस्टरिंग करने वाले हैं इसीलिए ये इम्पोर्ट करना पड़ेगा इम्पोर्ट मैट प्लॉट लेप डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी विजलाइजेशन के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में हमें डेटा सेट लेना है तो यहाँ पे हम होल सेल कस्टमर डेटा सेट ले रहे हैं ये हमने डाउनलोड किया है और यहाँ पे हम डेटा को रीड करते हैं सी फाइल से और इसको एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर रहे हैं डेटा फ्रेम का नाम हमने लिया है डेटा नेक्स्ट स्टेप में हम इसके कुछ रोज देख लेते हैं डेटा डॉट हेड तो इसको हम प्रिंट करके देख लेंगे फर्स्ट फ्यू रो से हमें आइडिया हो जाएगा कि डेटा सेट किस तरीके का है अब हम देखते हैं कि कुछ डेटा जो है वो वहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा है तो यहाँ पे हम एक लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं कैटेगोरिकल फीचर जहाँ पे हम कैटेगोरिकल कॉलम्स ले रहे हैं जैसे कि चैनल और रीजन ये जो डेटा सेट हमारे पास है इसमें कैटेगोरिकल कॉलम है चैनल और रीजन नेक्स्ट हमने कंटिन्यूस फीचर के लिए एक लिस्ट ली है कंटिन्यूस फीचर का मतलब होता है नंबर तो जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है जो जिस कॉलम में न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कॉलम हमने यहाँ पे ले लिए हैं नेक्स्ट लाइन में हम डिस्क्राइब यूज कर रहे हैं जिससे कि हम डिस्प्ले कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को जैसे कि मीन मीडियन काउंट स्टैंडर्ड एवियेशन क्वार्टाइल मैक्स जब हम डिस्क्राइब का यूज करते हैं तो ये सारा डेटा उसमें आ जाता है ये हम कंटिन्यूस फीचर के लिए ही यूज करते हैं जिससे कि हमको एक इंसाइट मिलता है कि जो हमारे पास नंबर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से इससे हमें समरी देखने को मिलेगी तो कंटिन्यूस फीचर में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर लूप का यूज करेंगे और फॉर लूप का यूज करते हुए हम हर एक कैटेगोरिकल फीचर को इटरेट करते हैं उसके बाद हम एक डमी वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसको हम वन हॉट एनकोडिंग बोलेंगे और ये नेसेसरी है क्योंकि जब भी हम कैटेगोरिकल वेरिएबल से डील करते हैं तो वहाँ पे हमें वन हॉट एनकोडिंग और डमीफिकेशन का प्रोसेस करना जरूरी है नेक्स्ट स्टेप में हम कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं मतलब कि जो डमी वेरिएबल है उसको ओरिजिनल डेटा सेट के साथ कॉन्केटिनेट कर रहे हैं उसके बाद हम ओरिजिनल कैटेगोरिकल फ़ीचर को ड्रॉप कर रहे हैं तो जो हमारे पास डेटा है उसमें से हम ओरिजिनल कैटेगोरिकल फीचर को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि वन हॉट एनकोडिंग परफॉर्म करने के बाद उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं हेड देख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम मिन मैक्स स्केलिंग का यूज करेंगे तो हमने इनिशियलाइज़ किया है मिन मैक्स स्केलर एस एम एम एस उसके बाद हम यूज करेंगे एम एम एस डॉट फिट डेटा यहाँ पे हम स्केल फिट कर रहे हैं और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को यूजिंग एम एम एस डॉट ट्रांसफॉर्म फंक्शन नेक्स्ट स्टेप में हम एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस उसके बाद हम रेंज देते हैं के के लिए हम रेंज दे रहे हैं क्लस्टर के लिए फ्रॉम टू से 15 हमने लिखा है इसका मतलब जो वैल्यू होगी के की वो वन से फोर्टीन रहेगी यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं मीन्स मिनिमम तो वन से स्टार्ट होगा क्योंकि मिनिमम एक क्लस्टर रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं बट यूजली एल्बो मेथड में हम ये वैल्यू यूज करते हैं उसके बाद हम लूप यूज करेंगे लूप यूज करेंगे हर एक वैल्यू के लिए फॉर के इन के और इनिशलाइज करेंगे के मीन्स मॉडल एन नंबर ऑफ क्लस्टर के लिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम फिट कर रहे हैं मॉडल को टू द ट्रांसफॉर्म डेटा और उसके बाद हम अपेंड करते हैं सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे प्लॉट करना है यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्लस्टर यूजिंग पीएलटी डॉट प्लॉट उसके बाद हम लेबल्स सेट कर देंगे टाइटल सेट कर देंगे और प्लॉट करेंगे यूजिंग पी एल टी डॉट शो अब हम इसको पायथन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो फाइल को रन करके देख लेते हैं और जो प्लॉट हमें मिलेगा हमें वहां पे एल्बो पॉइंट देखना है तो यहाँ पे हमने जो प्लॉट किया है वो के और सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस के बीच किया है तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है लेकिन आफ्टर फाइव मीन्स फाइव नंबर ऑफ क्लस्टर के बाद जो चेंजेस है वो बहुत ही कम हो रहा है तो जब चेंजेस बहुत कम होता है तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा कोई पॉइंट मिलता है जहाँ पे अगर हम और नंबर ऑफ ग्रुप्स ऐड करें तो उससे ज्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा जैसे कि सिक्स के बाद अगर हम देखें तो एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन तक हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है मतलब ये लाइन जो है वो है वो ऑलमोस्ट टू एक्स एक्सिस तो इसका मतलब कि इसके बाद हम कितने भी ग्रुप्स यहाँ पे ऐड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर बिटवीन फोर टू सेवन है तो जहाँ पे हमको एल्बो लाइक स्ट्रक्चर मिलता है वो एल्बो पॉइंट कहलाता है और वहां से हम फाइंड कर सकते हैं कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर कितने होंगे तो इस डायग्राम को देख के हमें लग रहा है कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर बिटवीन फोर टू सिक्स होने चाहिए क्योंकि उसके बाद हमको स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है तो फोर टू सिक्स मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि के की वैल्यू फाइव होगी कंक्लूजन एल्बो मेथड का यूज करके हम डेटा सेट में ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिटरमाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें एल्बो पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है द पॉइंट वेयर द रेट ऑफ डिक्रीज इन द सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसिस सिग्निफिकेंटली स्लोस डाउन सजेस्ट अ सूटेबल नंबर ऑफ क्लस्टर्स तो जो हमने प्लॉट किया था के और सम ऑफ सम्वाइ डिस्टेंस के बीच में वहां पे हमने देखा कि स्टार्टिंग में रेट ऑफ डिक्रीज बहुत ज्यादा होता है लेकिन एक पॉइंट के बाद जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो स्लो हो जाता है तो फोर के बाद जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो बहुत स्लो हो गया और आफ्टर सिक्स हम देखते हैं कि हमको एक पैरल लाइन ही मिलती है पैरल टू एक्स एक्सिस मतलब कि उसके बाद उसमें कोई भी डिक्रीज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उसके बाद हम कितने भी नंबर ऑफ क्लस्टर ऐड कर दें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि एल्बो पॉइंट डिसाइड करना और उस पॉइंट को हम एल्बो पॉइंट बोलते हैं जिस पॉइंट के बाद से रेट ऑफ डिक्रीज जो है वो बहुत कम है तो ऐसा पॉइंट हमारे में फाइव uh, है हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर जो है वो फाइव है एक्चुअली फोर से सेवन के बीच में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं बिटवीन फोर एंड सेवन तो यहाँ पे हम एक मिडिल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं वी कंक्लूड दैट द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स फॉर द डेटा इज फाइव द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग दिस मैथड कैन बी यूज फॉर फर्दर एनालिस और सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर्स बेस्ड ऑन देअर परचेसिंग बिहेवियर तो यहाँ पर हमने कस्टमर होलसेल डेटा लिया था तो ऑप्टीमल नंबर ऑफ क्लस्टर आइडेंटिफाई करने के बाद हम इस मैथड का यूज़ आगे सेगमेंटेशन के लिए कर सकते हैं और इसका यूज़ हम आगे फर्दर एनालिस में कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेलियर अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें आई एम इमेंसली थैंकफुल टू निखिल सिंह दिनेश चौधरी एंड आशी चौहान फॉर देयर इन वैल्युएबल असिस्टेंस इन द क्रिएशन ऑफ दिस वीडियो